दो अभ्यास बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर खोल देंगे। मरकटासन, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाएंगे, बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। सामान्य रूप से बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए उपयोगी है, कमर के लिए उपयोगी है, लेकिन नितंब और कमर के पेट के एक्सेस फैट को भी कम करने में ये मदद करता है। पहले धीरे धीरे फिर तेजी से इसको करते हैं तो एक्सेस फैट को भी मेल्ट करने में मदद करता है। ऐसे पहले धीरे फिर तेजी से फैट को कम करने के लिए तीव्र गति से अभ्यासों को करना होगा तो लाभ पूरा मिलता है। एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे शरीर को करते हैं तो बॉडी भी पूरी रिलैक्स हो जाती है। ये अभ्यास हुआ बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी और एक्सेस फैट को भी मेल्ट करने के लिए भी। अंत में शवासन, सभी आसनों के अंत में शवासन करवाया जाता है। इसका प्रयोजन होता है शरीर को विश्राम देना। दोनों पैरों में फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर और पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं। संकल्प पूर्वक शरीर को विश्राम देना, ये शवासन है। बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए।